नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ये महिलाओं के लिए स्पेशली हमने कैंप डिज़ाइन किया था, क्योंकि लेडीज़ अपने लिए जितना नहीं सोचती उतना अपने परिवार के लिए सोचती हैं। तो ये आज खास एक दिन महिलाओं के लिए, अपने लिए, कि जब वो अपना चेकअप करें, जिसमें एक छोटी सी कहावत है कि घर की स्त्री सुखी है तो उसका पूरा कुटुंब सुखी है, मतलब वो तंदुरुस्त है तो स्त्री सुखा है, कुटुंब सुखा है, वही फंडा लेके हमने काम किया है। किस किस प्रकार की बीमारियों का चेकअप किया गया है यहाँ पर और अब तक कितने महिलाओं का चेकअप हुआ? ओके, यहाँ पे जैसे कार्डियक रिलेटेड ECG, देन डायबिटीज़ का चेकअप है, फिर ब्लड प्रेशर। जो डॉक्टर्स है वो कहाँ से आए हैं? हाँ, इसमें हमको जो स्पेशल सपोर्ट दिया गया है वो शिवम हॉस्पिटल के थ्रू हमको सपोर्ट मिला है, डॉक्टर शिवराज का। कितनी महिलाओं का चेकअप हो चुका है? ऑलमोस्ट अभी 50+। आप अपने जीवन में किस महिला को आदर्श मानती हैं? मेरी माँ। मेरी माँ से बड़ा आदर्श मेरे लिए और कोई नहीं है। के अवसर में मैं ये महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि जो अपने लिए, खुद के लिए भी जीना और जो कुटुंब भी संभालती है महिलाएं, जो महिलाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो खुद की सुरक्षा करके सबकी सुरक्षा करें और खुद पहला फिट रहे। जो इन्होंने जो कैंप रखा गया है, इनके लिए बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। महिला दिन के लिए शुभेच्छा। थैंक यू। सगे माझ्या आई बहिणींना आज महिला दिनाच्या, जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा देतो। आणि आराधना क्रीडा मंडळ सदैव इथे असे उपक्रम करत असतात। आज हा नैना मॅडमच्या सहकार्याने हा जो कार्यक्रम आम्ही इथे आखला आहे महिला दिनाचा, त्याच्यामध्ये मानव अधिकार आहेत, त्याच्यानंतर आमचं आराधना क्रीडा मंडळ, आम्ही सगळे त्याच्यामध्ये महिलांसाठी, त्यांच्या आरोग्यासाठी आम्ही शुभकामना देतो आहे। आणि हा मेडिकल कॅम्प इथे ठेवला आहे, असेच कार्यक्रम इथे पुढे होत राहतील। थँक्यू। सबसे पहले मानव अधिकार इमर्जन्सी हेल्पलाइन की तरफ से हमारी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ है, ये क्रीड़ा मंडल, आराधना क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष माननीय घनश्याम परब साहब और पहले माजी कर्तव्य फाउंडेशन की तरफ से महिला अध्यक्ष श्रीमती नैना कनल जी और हमारी महिला अध्यक्ष मानवाधिकार के महिला अध्यक्ष सोनल सिंधे मैडम ने जो ऑर्गेनाइज किया, मैं इन लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज महिला दिवस है और महिला दिवस के दिन हमारी माताएं बहनें जो यहां पे भी जिसको चेकअप कराना है, जो ECG ब्लड चेकअप, ब्लड शुगर, जो भी चेकअप यहाँ रखा हुआ है इनकी तरफ से, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि महिलाएं जो इनके अंदर डर है, आज मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो माताएं बहनें जो डर के जीना बंद करें, अभी महिलाओं को आगे रहना चाहिए। और
मैं अपनी मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन की तरफ से महाराष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान का तो नहीं लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इनको अगर हमारी ज़रूरत पड़ी, मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन की ज़रूरत पड़ी, हम इनकी पूरी सहायता करेंगे, पूरी मदद करेंगे। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।